फ्रेंड्स haunted डेस्टिनेशन में आप सबको वेलकम कहता हूँ मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे खैरियत से होंगे फ्रेंड्स आसेब का नाम तो आपने सुना होगा जिन्हें हम जिन भूत प्रेत कहते हैं इस तरह एक इस तला एक लफ्ज इनके लिए आसेब का भी इस्तेमाल होता है कुछ आशेब ऐसे होते हैं जो फ़ौर नुकसान पहुँचाते हैं लेकिन कुछ आशेब ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहने को पसंद करते हैं मगर एक बात याद रखें कि खुदा ने अपने बंदों को अलीहदा या आपस में रहने के लिए ही बनाया है यानी हर मखलूक एक दूसरे आपस में रह कर ही सही तरह रह सकती है ना हम किसी आसेब के साथ रह सकते हैं ना कोई आसेब हमारे साथ रह सकता है अगर वो हमारे साथ रहने की कोशिश करें तो उसके हम पर बहुत बुरे असर आते हैं आज की हमारी स्टोरी इससे रिलेटेड ही है जिसका नाम आसेब है आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं एक खातून जिनका नाम हम नाहिद तस्वुर कर लेते हैं अपने और अपने बच्चों के साथ पेश आने वाला खौफनाक किस्सा सुनाती हैं वो बताती हैं कि 2014 में मेरे शोहर ने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया हमारी डिवोर्स हो गई अब मुझे अपने और अपने बच्चों को ख़ुद ही संभालना था मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब थी मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए घर की ज़रूरत भी थी मैंने अपने तमाम फ़ंड्स निकलवाए जो सिर्फ़ इतने ही थे जिसमें मैं एक सस्ता सा घर ही ले सकती थी अब इतने पैसों में मुझे कहीं दूर ही घर मिल सकता था और ऐसा ही हुआ मुझे शहर के कुछ वीरान से इलाक़े में ही घर मिला जहाँ पे आबादी आहिस्ता हो रही थी ये घर इतना ऐसा ही था इतनी प्राइस का ही था जो मैं अफोर्ड कर सकती थी अब मेरे पास कोई और रास्ता कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने वो घर ख़रीद लिया और अपने बच्चों के साथ उस घर में शिफ्ट हो गई घर छोटा था मगर हमारी ज़रूरत के हिसाब से ठीक था यहाँ आबादी काफ़ी कम थी ज़्यादातर प्लॉट्स खाली थे दुकानें दूर दूर थीं। हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना कब्रिस्तान था इसके बारे में कहा जाता था कि बहुत ही पुराना और कदीम कब्रिस्तान है और ये भी सुना था कि बहुत ज़्यादा कदीम और पुराना होने की वजह से यहाँ मुख्तफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोगों की खबरें भी मौजूद थीं, जो तकरीबन मिट चुकी थीं, मगर मौजूद ज़रूर थीं। इस कब्रिस्तान में आमदोरफ़्त काफ़ी कम थी यानी लोगों का आना जाना बहुत कम ही होता था मुझे एक प्रॉब्लम थी वो ये कि रात के बीच में मेरी आँख खुल जाया करती थी और फिर काफ़ी देर जागने के बाद मुझे दोबारा नींद आया करती थी एक रात ऐसा ही हुआ एज़ यूजल मेरी आंख खुल गई रात के एक बजे थे कुछ देर बाद मैं उठी और पानी पिया और फिर आकर लेट गई काफ़ी देर लेटे रहने के बाद मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे दूर कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो कुछ देर तक ये आवाज़ें आती रहीं और फिर खामोशी हो गई मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई कुछ दिन ऐसे ही गुज़रे और तकरीबन ये मेरी रूटीन ही बन गई थी कि रात को मैं जागा तो वैसे ही करती थी और मुझे ये कब्रिस्तान वाली साइड से किसी के रोने की आवाज़ें आती रहती थी मैंने आखिरकार ध्यान देना भी छोड़ दिया था एक रात मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई घर में जो मेडिसन्स थीं वो मैंने उसे दी मगर कोई फ़ायदा ना हुआ फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया जिसके हस्बैंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे उन्होंने मुझे मेडिसिन बताई जो मेरे पास मौजूद तो नहीं नहीं थी अब रात के 12 बजे मुझे मेडिकल स्टोर जाना था हम सब ने इरादा किया और एक साथ ही निकल गए और पैदल पैदल चलने लगे पता नहीं क्यों रात कुछ भारी सी थी यह हम बोझ महसूस कर रहे थे खैर काफ़ी दूर हमें एक मेडिकल स्टोर नज़र आया वहाँ पहुँचे मेडिसिन ली और वापस घर के लिए रवाना हो गए चलते चलते हमें ऐसा लगा जैसे हमारे बीच में कोई और भी है कभी हम ऐसा महसूस करते थे कि कोई हमारे पीछे चल रहा है कभी हमें ऐसा लगता था कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है मैं तो ख़ामोशी से चल रही थी लेकिन मेरे बच्चे बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे आखिर उन्होंने मुझे कह ही दिया कि अम्मी आपको भी ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो तो मैंने भी कह ही दिया कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है चलते चलते अचानक हमें अपने पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई हम सब ने एक साथ ही मुड़ कर, मुड़ कर पीछे देखा पर कोई नहीं था अब हम डरने लगे थे फिर हमने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया घर कुछ ही फासले पर था हमें बार बार रोने की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई रोता हुआ हमारे पीछे आ रहा हो मैंने बच्चों को सख्ती से कह दिया था कि कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना मैं एक और बात महसूस कर रही थी कि मुझे रोने की जो आवाज़ें आ रही थीं वो किसी औरत की थीं जब मैं रात को अपने घर में हुआ करती थी कब्रिस्तान वाली साइड से जब रोने की आवाज़ें आती थीं तो वो कि वो भी किसी औरत की थीं और अब ये रोने की आवाज़ें जो हम अपने आसपास सुन रहे हैं वो भी किसी औरत की ही है। फिर घर के बिल्कुल करीब पहुँचते पहुँचते हम ऐसे हो गए थे जैसे हमारे पीछे वाले हिस्से यानी कमर बिल्कुल अकड़ गई हो खैर हम जल्दी जल्दी घर में दाखिल हुए और दरवाज़ा लॉक कर दिया और अंदर आ गए फिर मैंने अपने बेटे को मेडिसिन दी देकर सुला दिया और ख़ुद भी सो गई इस रात के बाद हम फील करने लगे कि घर में हमारे साथ कोई और भी आ गया है क्योंकि पहले हमने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था मगर अब फील करने लगे थे फिर मेरे बच्चों ने और आखिर में मैंने भी वो सब देख लिया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी हमारे घर में एक लंबी सी औरत दिखाई देने लगी थी अजीब से कपड़े और ऐसे लगता था जैसे कोई ह्यौला हो फिर एक दो तीन दिनों में बाद मेरे छोटे बच्चे बीमार रहने लगे और हम सब ख्वाब में बहुत ज़्यादा डर जाया करते थे और बहुत ही अजीब और गरीब से ख्वाब देखते थे मैं बहुत परेशान हो गई कि अचानक ये हमारे साथ क्या हो रहा है मैंने अपनी एक ऑफ़िस क्लीग से सारा मसला डिस्कस किया तो उसने यही मशवरा दिया कि इस घर को जितना जल्दी हो सके ख़ाली कर दो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए मैंने दो दिनों के अंदर अंदर ही किराए का एक फ्लैट तलाश किया और अपने बच्चों को लेकर शिफ्ट हो गई खुदा का शुक्र है हम नए घर में सब बहुत बेहतर महसूस करने लगे और हमने कुछ भी ऐसा फील नहीं किया और फिर ना ही दोबारा हमें डरावने ख्वाब आए हमारी ज़िंदगी फिर से पुरसकून और रिलैक्स हो गई थी फिर मैं सोचने लगी कि पता नहीं वो कौन थी जो हमारे साथ हमारे घर में चली आई थी और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो हर वक्त रोती रहती थी तकरीबन तीन साल बाद मुझसे किसी बिल्डर ने रबा किया और कहा कि हम आपका मकान खरीदना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाएगी मुझे उस मकान के अच्छे पैसे मिल गए और मैंने अपने लिए एक अच्छी सी हाउसिंग स्कीम में घर ले लिया और अब हम पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फ्रेंड्स ये थी हमारी स्टोरी उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़ गुड बाय